देवास जिले के सिविल अस्पताल कन्नौज में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, जहां लोकेश बारवाल ने टीकाकरण की जानकारी देते हुए बताया है कि विकासखंड कन्नौज के अंतर्गत सिविल अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सतवास में टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण केंद्र पर 60 साल से अधिक उम्र के और 45 से 59 वर्ष तक के गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों का कोरोना वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। पूर्व विधायक कैलाश कुंडल भी कोरोना टीका लगवाने सिविल अस्पताल पहुंचे। पूर्व विधायक कैलाश कुंडल ने सीनियर सिटीजन समेत अन्य लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। सिविल हॉस्पिटल कन्नौज के पूरे कर्मचारी को बधाई देना चाहूंगा कि जो व्यवस्था मैंने देखी है, जिस तरह से अरेंजमेंट किए गए इंजेक्शन लगाने के, बहुत बढ़िया है। और लोगों में जो भय बना हुआ है कि इंजेक्शन लगा तो बहुत दर्द होता है, मुझे आश्चर्य हुआ इंजेक्शन लग गया, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा इतने आसानी से इंजेक्ट हुआ इंजेक्शन। मैं अब बाकी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जिनको पात्रता में आते तत्काल उन लोगों ने वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, ताकि कोरोना जैसे महामारी से सुरक्षा करो।